तो देखो कितना फॉग है। अरे मेरे एक्टिवा से धुआं निकल रहा है और इन्होंने मेरी हेल्प की, तो एक्चुअली थैंक यू फॉर हेल्पिंग। एक बेल्ट और एक कुछ और भी टूट गया है तो उसको भी बदलना है, तो बेल्ट है। अहमदाबाद टू रामेश्वरम का मेरा 5th day है और ये part 1 है। आज मैं अराकुरी जी से मदुराई जाने वाला हूँ, जिसकी दूरी करीबन 117 किलोमीटर है और रास्ते में जो जगह आएगी उसके मैंने नाम लिखे हैं। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा था, इससे इसको मैंने 2 parts में डिवाइड कर दिया है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहित ट्रैवल, मेरा नाम मुझे उपाध्याय है। आज अहमदाबाद टू रामेश्वरम का मेरा 5th day है और आज मैं रामेश्वरम पहुँच जाऊँगा। एक्चुअली मैं जो जगह पर रुका हूँ, जगह का एक्चुअली नाम नहीं पता है, कुछ अजीब सा नाम था। मैं नीचे जाके एक्चुअली यहाँ पर बोर्ड पर लिखा था तो मैं आपको बताता हूँ, वरना यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो यहाँ से रामेश्वरम की जो दूरी है करीबन 25 किलोमीटर, मतलब अपर गूगल मैप के हिसाब से मैं 5 घंटे, मतलब समझ दो अराउंड फिगर 6 से 6.5 घंटे में मैं पहुँचूँगा। और मैंने यहाँ पे हाईवे पे रूम लिया था, यहाँ पे बस जस्ट हाईवे के बाजू में यहाँ पे रूम है, तो काफ़ी अच्छा 1000 रुपीज़ का रूम था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था पर उन्होंने चलो अभी रूम मिल गया और आज वो जो होटल मिली थी तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। वॉशरूम अच्छा था, पार्किंग की फैसिलिटी थी, तो मतलब चलो बुक कर देते हैं। वैसे भी कल ना के सुबह निकल ही जाना है। सो देखो ये रूम है, यहाँ पे बेड है, ये टीवी था जो ऑन किया नहीं था और ये वॉशरूम है। बस इतना ही रूम था पर काफ़ी अच्छा रूम था। तो चलो ये रहा अपना एक्टिवा और यहाँ पे ऊपर के पे अपना रूम था, फोर्थ वाला शायद से था, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे। पर अभी टाइम की बात करूँ तो अभी बज चुके हैं करीबन 6:24 और गूगल मैप के हिसाब से, रुको पहले मैंने सीधी रामेश्वरम की लोकेशन डाली, देखते हैं कि कहाँ की डालनी है। पहले कोडई, हाँ रोड टोल 64 किलोमीटर है, 1 घंटा 6 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएंगे। चलो 1 2 3 चलो बाय बाय। तो अंकल ये काफ़ी अच्छे थे, एक्चुअली इनको तमिल नहीं आती थी, सॉरी हिंदी नहीं आती थी, तमिल तो आती थी। तो क्या होता था कि हमारी कल जो बात हुई थी ना वो काइंड ऑफ इशारों में और गूगल ट्रांसलेटर था उससे हुई थी। रुको रुको यहाँ से मुझे टर्न लेना पड़ेगा शायद से, आगे आएगा क्या? हाँ चाहिए तो सर्विस रोड है ना, अभी चाय पीनी है पर अभी तो कुछ ओपन नहीं होगा शायद से। तो किधर किधर दोस्त, तो अभी तो कुछ ओपन नहीं होगा तो थोड़ा आगे और जाता हूँ, तो वहाँ पे कोई किटली विटली या रेस्टोरेंट होगा वहाँ पे चाय पी लेंगे। कुछ रह तो नहीं गया ना, आज तो पूरा सामान देख लिया है, कुछ रहा ही नहीं है, सब कुछ अच्छे से पैक भी कर दिया है। चलो ये आपने आगे मेन रोड पर, सर्विस रोड अहेड। और ये देखो अभी कितना फॉग है, ये सब तो वीडियो में आएगा भी नहीं शायद से, थोड़ा देख लेते अगर आ गया तो ठीक है। सर लाइट ऑन, तो देखो कितना फॉग है, धुम्मस। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मैं लाइव अपडेट देता रहता हूँ। हाँ जा जा भाई, चलो सबको जाने दो। और यहाँ पे ये थोड़ा, हाँ चलो दिंडीगुल सीधा, वेदा सांदूर सीधा है, पालापत्ती राइट है। ओके पालापत्ती टोल बूथ अहेड 500 मीटर अहेड। ओके
कैश ओनली। हाँ अरे वाह स्टॉल से चलो अच्छा है, चाय पीने मिल जाएगी बहुत सारे स्टॉल से। और एक फोटो खींच लेते हैं फिर फटाफट गरम गरम चाय पीते हैं। तो अभी करीबन 6:43 हो चुके हैं और मुझे पता था कि टोल बूथ के आगे क्या होता है, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे बस एक स्टॉल था तो वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं और चाय काफ़ी अच्छी है। कल जितनी ठंडी लग रही थी ना मुझे पता नहीं आज इतनी ठंड नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर है। तो वहाँ पे सामने टोल प्लाजा था और यहाँ पे एक शॉप थी, चाय नाश्ता खाना वाना सब मिल रहा था पर चाय पी। सनराइज भी हो गया वाह। और सामने मस्त नजारा हो, देखो सनराइज कितना खूबसूरत है। देखो वहां पे खूबसूरत सनराइज हो रहा है और यहाँ पे इतना बड़ा पहाड़, रोड भी मस्त है। वरना हाय 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 मदुराई कितना है किलोमीटर से लिखे, सीधा ऐसा लिखा है, दिंडीगुल सीधा है, वेदा संदूर कहते वो लेफ्ट साइड पे है। अरे चलो मुझे अचानक पेट्रोल पंप दिखा। ओके ओके इस जगह का नाम है मीना, क्या नाम, मीना चिनिया का पत्ती, मीनिया चिनकान पत्ती। तो इसका नाम बड़ा अजीब है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, मीना चिनिया चिनियाकन पत्ती लिख दूंगा मैं यहाँ पे, बड़ा थोड़ा सा अजीब नाम था। उदय कनल तो इस रोड का नाम है दिंडीगुल वेल्दू और मदुराई रोड, मदुराई सीधा पिलियार नाथम लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो कितना खूबसूरत पहाड़ है और यहाँ पे भी अच्छा है। अरे ट्रेन, चलो फोटो आ गया, 1 2 3। कोड़े रोड टोल प्लाजा यहाँ पे अपना एक्टिवा आ गया ना, शायद से होटल लग रही है, हाँ होटल ही है। चलो तो वहाँ पे कॉफ़ी वॉफी पी लेते हैं तब तक, एक्टिवा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ ये रही ना होटल, तो अभी मैं हूँ कोड़े टोल प्लाजा पे और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ बोगलूर टोल प्लाजा, जिसकी दूरी यहाँ कोड़े से बोगलूर टोल प्लाजा की जो दूरी है वो करीबन 141 किलोमीटर है, मतलब गूगल मैप के हिसाब से 2.5 आवर, मतलब समझ लो 3 घंटे के आसपास मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। और 70 to 80 किलोमीटर जितना आई थिंक, सो उससे ज़्यादा ही हो गया था शायद से, तो सोचा कि एक ब्रेक रखते हैं और एक्टिव भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मेरी भी थोड़ी ब्रेक हो जाएगी और सुबह ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉफ़ी और बड़ा मंगवाया है, फिर अपनी राइड बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो चलो गोल्ड प्लेट यहाँ पे कॉफ़ी और एक वड़ा खा लिया। यहाँ पे वड़ा भी काफ़ी अच्छा था, टोटल 30 हुआ, 30 आई थिंक सो 20 रुपये
पता नहीं 15 कुछ कॉफ़ी के हो गए, बाकी के वड़ा का वड़ा, पर अच्छा वड़ा था। चलो निकले अभी, और यहाँ पे ऑप्शन है सर्विस का। अरे पेट्रोल अभी तो फुल करवाया था। अच्छा चलो, कोड़े रोड रेलवे स्टेशन लेफ्ट, मदुराई सीधा। अभी धूप आना शुरू हुई है पर मैं चश्मे नहीं पहन रहा क्योंकि थोड़ी सी धूप अभी थोड़ी अच्छी लग रही है सुबह सुबह। अभी तो सिर्फ 8:13 ही हुई है। कोकोनट के ट्रीज, नारियल। अरे मेरे एक्टिवा से धुआं निकल रहा है। सिट 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 सिट, भगवान का शुक्र है कि कोई पीछे से आ नहीं रहा क्योंकि अचानक ही ब्रेक लग गई। थोड़ा पानी डाल देता हूँ, ज्यादा चला लिया उसकी वजह से हो सकता है। थोड़ा और पानी डाल देता हूँ। हो रही है पता नहीं आगे रिस्पांस देगी कि नहीं। अरे आगे नहीं जा रही है। सो यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हुई है कि मेरा जो एक्टिव है वो अचानक ही बंद हो गया और चलना ही मतलब वापस चला। थोड़ा मुझे लगा थोड़ा गर्म हो गया होगा तो तू थोड़ा ठंडा रखते है। तो 15-20 मिनट बाद जब मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ तो आगे जा ही नहीं रहा था। सरवन तो ये एक्चुअली ऐसे ही रुके थे और इन्होंने मेरी हेल्प की। तो एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली लैंग्वेज में थोड़ा इशूज़ था तो यहाँ पे कोई 1.5 किलोमीटर दूर पहले कोई मैकेनिक शॉप है तो इन्होंने उनको कॉल किया और वो मैकेनिक वाले भैया यहाँ पे आ रहे हैं और मेरा एक्टिव वहाँ पर टो कर लेंगे। एक्चुअली होंडा का शोरूम 20 किलोमीटर आगे है तो होंडा वाले के साथ बात तो बहुत थोड़ी चेंजेस नंबर सब मांग रहे हैं पर मैकेनिक यहाँ पे है ही तो मैंने बोला चलो एक बार इनको दिखा देते, नहीं हुआ तो होंडा वाले के पास वापस चले जाएंगे। तो थैंक यू भैया और हेल्पिंग में आऊँ। थैंक यू। तो यहाँ पे एक भैया के फ्रेंड आ चुके हैं। அங்கே போயிட்டு கழட்டி விட்டாங்க அங்கே சார். நான் மாட்டு டெலிவரி பண்ண एक बेल्ट और एक कुछ और भी टूट गया है तो उसको भी बदलना है तो उनके पास पड़ा है तो बदल रहा है। और ये बेल्ट है और ये रबड़ है तो ये भी टूट गया है। तो अभी यहाँ पे ना लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है तो गूगल ट्रांसलेटर काम कर रहा है तो ये जो बोल रहे हैं ना वो मैं वॉइस से कर रहा हूँ और फिर ऐसे ऐसे बातचीत हो रही है। कुछ कुछ बातें मैं इशारों में समझ जाता हूँ बाकी ये गूगल ट्रांसलेटर काम कर रहा है। दिस इज बेल्ट न्यू बेल्ट। ओके न्यू बेल्ट। बेल्ट इप्पदा इरुक्कुम अदु पिंचिच्चा अंद मारी वंदुरुम। இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரப்பர் காடு அதுக்கு மேல ரிக்ஸின் மூணாயிட்டு வருது இல்ல அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிக்ஸின் காடு ரப்பர் ரப்பர் திஸ் இஸ் ரப்பர் எல்லாமே மிக்சிங் மிக்சிங் இந்த காடு காடு இந்த காடு துணி ரப்பர் மூணு ஐட்டம் சேரும் ஒரு வண்டி பஞ்சர் பார்த்தேன் அடுத்து ஒரு வண்டிக்கு குஜராத் நண்பர் ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அவருக்கு வந்து பெல்ட் கட் ஆயிடுச்சு அவருக்கு அதை பார்த்துட்டு வாட்ஸ் யுவர் நேம்
Velan. Velan? Yeah. आधा उससे कॉल कर लेते हैं। तो अभी एक बार चेक करने जा रहे हैं कि ऑफिस अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ऑफिस चले लग गया है। भैया ने बोला कि 10 to 15 अब जब 10,000 किलोमीटर हो जाए ना तो बेल्ट वो चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत दूर दूर तक लेके जाते हो ना, वरना लाइक सिटी सिटी में चलाओगे जैसे कि ज़्यादातर लोग, अगर मैं सिर्फ अंदर चलाता तो करीबन 15,000 किलोमीटर तक आप चला सकते हो। पर भैया ने बोला आप बहुत लॉन्ग ट्रैवल के लिए जाते हो ना तो 10,000 किलोमीटर हो जाए ना तो पूरा मतलब बेल्ट वो सब एक बार चेक कर लेना। तो उसमें मैं आपको एक बार जो बेल्ट थी ना उसकी कंडीशन दिखाता क्या हो गई है। बेल्ट व्हाट्स योर नेम? अब्बास मंदरी। अब्बास मंदरी योर वेलन। वेलन थैंक यू फॉर हेल्पिंग। चलो भाई एक्टिवा शुरू हो गया है और यहाँ से अभी निकलते हैं। टाटा बाय बाय। तो भैया ने मुझे एक बात बोली कि आपका जो एक्टिवा ना, एक तो आप पहले से बहुत लोड लेके चला रहे हो, मतलब मेरे पीछे पूरा सब लगेज है ना, तो उन्होंने कहा कि आप 70 से ऊपर जाना मत, क्योंकि एक्टिवा 90 वन तक जाता है पर उसको इतना लेके मत जाना क्योंकि उस पर लोड बहुत पड़ रहा है, जिसके कारण आपका बेल्ट टूट गया और हर 10,000 किलोमीटर के बाद आपका जो बेल्ट है उसे नया डाल देना। वैसे लैंग्वेज पता नहीं चल रही थी पर इशारे में बात हुई तो पता चल रहा था, गूगल ट्रांसलेट था ना हमारे पास तो वो उसमें बोल रहे थे और ऐसे बातचीत हो रही थी। चलो यहाँ से ले लिया टर्न। मदुरई 14 किलोमीटर सीधा है, कन्याकुमारी सीधा है, विरुद्ध नगर सीधा है मदुरई इस रोड पे। अच्छा मदुरई के लिए इस रोड पे कन्याकुमारी और विरुद्ध नगर जाना तो आपको ये रोड पे जाना पड़ेगा। पेरियर बस स्टैंड 15 किलोमीटर सीधा है, एमजी बस स्टैंड 70 किलोमीटर सीधा है, अलगार कोविल 33 किलोमीटर सीधा है। तो ये जगह अच्छी है, पानी की बोतल भी लेनी है तो यहाँ से ले लेते हैं। जगह का नाम भी पूछते हैं, एक तो सब तमिल में लिखा है। भैया जगह का नाम क्या है? परवाई। परवाई पानी की बोतल, मेरे पास 3 लीटर जितना पानी था, मैंने सब अपने एक्टिवा के ऊपर डाल दिया जस्ट बिकॉज के मैंने सोचा कि गरम वरम ना हो गई हो तो थोड़ा ठंडा पानी डाल के थोड़ा ठंडा कर दे। अलंग नालूर 13 किलोमीटर लेफ्ट है, रामेश्वरम 168 किलोमीटर सीधा है, अरपालयम 2 किलोमीटर लेफ्ट है। ओके चलो मुझे इस रोड पे नहीं जाना, मुझे ये वाले से घूम के उस रोड पे जाना है। और मदुरई मीनाक्ष, अरे मदुरई में है क्या हम लोग? रुको कंफर्म करते। ओहो मदुरई, हम लोग मदुरई एंटर कर गए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा था इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको मदुरई से रामेश्वरम देखने मिलेगा। चैनल पर करीब 260 से अधिक वीडियोस बनाए जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो, और मेरी वेबसाइट rohanviltravel.com पे आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए।